भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। भाजपा ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, भाजपा को न्याय यात्रा निकालनी चाहिए। वैसे राहुल गांधी की यात्राओं का हश्र देश देख चुका है। राहुल 14 जनवरी से 20 मार्च तक मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा पर रहेंगे। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही न्याय यात्रा को लेकर एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा पहले निकाली गई यात्राओं का क्या हश्र हुआ, यह हम सबके सामने है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए विश्वास सारंग ने शायराना अंदाज में कहा कि यूं ही नहीं चल पड़ेगा, जमाना किसी के साथ, नीयत भी नेक चाहिए। गांधीगिरी के साथ राहुल गांधी को अपनी नीयत और अपना वक्तव्य और अपने भाव और भावना ठीक करनी होगी। कि पहले की यात्राओं का क्या हश्र हुआ वो हम सबके सामने है। यूं ही ना चल पड़ेगा, जमाना किसी के साथ, नीयत भी नेक चाहिए, गांधीगिरी के साथ। तो राहुल गांधी जी को अपनी नीयत, अपने मंतव्य, अपनी भावना, अपने भाव ठीक करने होंगे। जुगलबंदी से, गैम्बलिंग से, केवल मीडिया अपॉर्चुनिटी से राजनीति नहीं चलती। भारत जोड़ो यात्रा का हश्र हमने देखा। नाम था भारत जोड़ो यात्रा और भारत के टुकड़े करने वाले लोगों को उन्होंने कदम ताल में साथ रखा था। वो कन्हैया जिन्होंने नारे लगाए, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो कन्हैया राहुल गांधी के सबसे बड़े सिपहसालार हैं और भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चले। वो दिग्विजय सिंह जो हर समय आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, वो दिग्विजय सिंह जो हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, वो राहुल गांधी की यात्रा के संयोजक थे। तो आप समझ सकते हैं कि आगे की यात्रा का क्या हश्र होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को राजनीति की गैम्बलिंग छोड़कर यथार्थ की बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने देश पर दशकों तक अन्याय किया है, तो उन्हें न्याय यात्रा नहीं बल्कि अन्याय के लिए क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, तभी देश और प्रदेश की जनता उनको क्षमा करेगी। देखिए, राहुल गांधी और उनके दल ने दशकों तक इस देश की जनता के साथ अन्याय किया है, तो वो न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा के लिए क्षमा निकालें, तब तो इस देश की और प्रदेश की जनता उनको बर्दाश्त करेगी, नहीं तो वही होगा जैसे सुपड़ा साफ कांग्रेस का होता रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।